फ्रॉम स्ट्रिंग शिफ्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी और एक 2D एरे मिलेगा, ठीक है। 2D एरे का साइज ना ऐसे होगा, कुछ रोज होंगी और कॉलम दो ही होंगे, ठीक है। कॉलम दो ही होंगे, जो कॉलम का पहला एलिमेंट होगा ना वो बताएगा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही होगा कॉलम का पहला एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, तो इसमें सॉरी, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ पे 0 या 1 ही होंगे। वेरे मतलब हमें 0 पता क्या बता रहा होगा कि आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और 1 पता क्या बता रहा होगा कि आपको राइट में शिफ्ट करना है। ये अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरा कॉलम होगा ना वहां कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दूसरे कॉलम में क्या है, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2। अच्छा, तो जो ये कंबाइंड रो है ना, जो ये कंबाइंड रो है, ये एक ऑपरेशन को बता रही है। क्या ऑपरेशन को बता रही है, 0 1 ऑपरेशन को बता रही है। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है डायरेक्शन। तो क्या डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है, क्योंकि 0 का मतलब लेफ्ट। और जो दूसरा एलिमेंट है ना वो अमाउंट बता रहा है कि कितना लेफ्ट, कितने कितने करेक्टर को लेफ्ट में आपको शिफ्ट करना है। तो चलो लेट्स से हमारी ABC स्ट्रिंग थी, है ना, ABC स्ट्रिंग थी। तो पहला क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, 0 1 ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट में जाना है आपको एक करेक्टर को लेके। तो एक करेक्टर ये रहा लेफ्ट से, इसको लेफ्ट में लेके जाना है। तो ये वाली क्वेरी के बाद आपका ये हो जाएगा BC और A, ये घूम के आ जाएगा लेफ्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन क्या है, 1 2। तो 1 2 का मतलब क्या, आपको 1 का मतलब राइट में जाना है, कितने दो अमाउंट, मतलब दो करेक्टर को लेके। तो इन दो करेक्टर को लेके आपको राइट में जाना है, तो CAB हो जाएगी आपकी, ठीक है। CAB हो जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। दो ही थे ना इसमें रोज, तो ये है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग और ले लेंगे जिसकी हेल्प से हम ये इजिली इजिली कर पाएंगे, ठीक है। मैं रब करता हूँ एक सेकेंड ये। चलो तो ये वाला एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे ये 2D एरे भी, इसका ये वाला 2D एरे यहाँ पे बना दिया मैंने, फाइन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। एक ना टेम्प स्ट्रिंग ले लेंगे, हर ऑपरेशन के लिए एक बार नई नई टेम्प स्ट्रिंग लेंगे। मतलब एक टेम्प स्ट्रिंग ले ली, इनिशियली इनिशियली ये एम्प्टी है ना, इनिशियली एम्प्टी है। अब क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है, 1 1। 1 1 का मतलब राइट में आपको परफॉर्म करना है एक अमाउंट ऑफ करेक्टर, मतलब राइट में आपको शिफ्ट करना है एक अमाउंट ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है टेम्प कैसे बनानी होगी, पहले एम्प्टी थी ना, इसको आपको ऐसे बनाना है, राइट में शिफ्ट करना है ना एक अमाउंट, मतलब इसको लेके जाना है, यहाँ से आपको इसको लेके जाना है। तो यहाँ से अमाउंट से जितनी भी स्ट्रिंग है एंड तक यहाँ पे लिख लो, तो एंड तक जी से लेके कितनी है, एक ही है, तो ये ले ली। फिर उसके बाद जो उसके पहले वाली स्ट्रिंग्स है ना सारी, वो अब लिख दो, है ना, कॉन्कैटिनेट कर दो उसको, सब स्ट्रिंग्स को, इन दोनों सब स्ट्रिंग्स को। तो मिलके कौन सी क्या हो जाएगी, ये GABCDEF, ठीक है। आपके टेम्प में ये आ गया। अब एक काम करो, एस को बोलो कि तू इसको पॉइंट मत कर, एस को बोले कि तू इसको पॉइंट कर। तो आपका एस कैसे दिखने लगेगा, एस कैसे दिखने लगेगा, अब आपका एस जो है टेम्प जैसा दिखने लगेगा। टेम्प में क्या है, GABCDEF, ठीक है। और अब आप अपने टेम्प को बोलो कि भाई तू वापस से एम्प्टी हो जा, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जा, ताकि तू नया ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। टेम्प को हम फिर से एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। टेम्प हमारा एम्प्टी हो गया, और अब क्योंकि हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो 1 1 के बाद देखो हमारा ये इक्वल आ गया हो इसके, GABCDEF, GABCEDF, ठीक है। एक परफॉर्म कर लिया, दोबारा से फिर 1 1 है, मतलब 1 में फिर से राइट घुमाओ। तो टेम्प में यहाँ से लेके यहाँ से उठा लो, तो अब टेम्प में हमारा एक तो एफ आ जाएगा, फिर प्लस ये वाली सब स्ट्रिंग सारी, तो GABCDE, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये FGABCDE, ठीक है। अब फिर से एस को बोलोगे तो इसको पॉइंट मत कर, इसको पॉइंट कर, ठीक है। उससे हमारा एस कैसे दिखने लगेगा, एस दिखने लगेगा हमारा कुछ कुछ ऐसा, FGABCDE। और टैम्प को बोलो कि भाई तू अब फिर से एम्प्टी हो जा, तू अब फिर से एम्प्टी हो जा, तो टैम्प को फिर से एम्प्टी कर देते। और इसी के साथ हमारा सेकेंड ऑपरेशन फिर से परफॉर्म हो गया, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। चलो तो ये देखो, GFGABCD, ये वाला भी परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब फिर से देखो, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, 02। 02 का मतलब क्या है कि लेफ्ट में परफॉर्म करना है आपको दो, तो यहां से उठा के इनको ऐसे लेके जाना है, फाइन। कैसे लेके जाओगे, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक कर लो और यहां से यहां तक एक कर लो, पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो। तो टाइप में पहले लिखो ABCDE स्ट्रिंग 1, फिर लिखो स्ट्रिंग 2 FG, इन दोनों को कैटिनेट करके क्या आ जाएगा, ABCDE FG। और यही हमारा है थर्ड ऑपरेशन, ABCDE ABCDE FG, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, फाइन। चलो बहुत सही है।
तो अब फिर से बोलो आप अपनी स्ट्रिंग को कि तू इसको पॉइंट कर इससे, इसको पॉइंट कर इससे, और टेम्प को बोल दो कि एम्प्टी हो जा। ठीक है, बहुत सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट राइट से हम कैसे स्ट्रिंग्स को अपने कॉन्कैटिनेट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ये ए बी सी डी ई एफ जी, और टेम्प को बोलेंगे फिर से एम्प्टी हो जा। ठीक है, टेम्प हमारा एम्प्टी हो जाएगा। बहुत सही है, बहुत सही है ना, टेम्प फिर से एम्प्टी हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब अपना नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 1 3 मतलब लास्ट आपको 3 लेके जाना है इधर से इधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग 1 हो जाएगी और उससे पहले 2 हो जाएगी। तो पहले स्ट्रिंग 1 लिखो, इसके इसमें राइट वाले में पहले स्ट्रिंग 1 और फिर स्ट्रिंग 2 और उसमें उल्टा। ठीक है, तो अब लिखेंगे पहले ई एफ जी, दिस स्ट्रिंग 1 प्लस फिर ये वाली स्ट्रिंग ए बी सी डी। तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके क्या बन जाएगा, ई एफ जी ए बी सी डी, और एस को बोलो इसको पॉइंट करेगी, और यही हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ऐसे करके हम ये अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका जावा में कोड देख लेते हैं। चलो, तो ये रहा इसका जावा में कोड। ठीक है, कुछ नहीं है, हमको ये स्ट्रिंग मिलेगी, ये शिफ्ट एरे मिलेगा 2D। ठीक है, ये हमने अपनी टेम्प स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, लूप चला रहे हैं फॉर ऑल द ऑपरेशन। ठीक है, तो 0 से लेके लेस देन शिफ्ट डॉट लेंथ तक चलाएंगे, टेम्प हर बार 0 करते रहेंगे क्योंकि हमें बार बार टेम्प को एम्प्टी करना है। ठीक है, चलो, तो अगर अगर जो है फर्स्ट करेक्टर ऑफ मतलब कॉलम के हर ऑपरेशन किसी ऑपरेशन का जो फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। 1 का मतलब कि आपको राइट मूव करना है। तो राइट मूव के लिए क्या होता है, ये वाले ऑपरेशंस होते हैं ना। टेम्प में कैसे डालते हैं, लास्ट वाली स्ट्रिंग पहले डालते हैं फिर शुरू वाली स्ट्रिंग डालते हैं। और अगर वो राइट नहीं है, 1 नहीं है, तो 0 ही होगा। तो 0 में क्या करते हैं, पहले हम शुरू वाली स्ट्रिंग डालते हैं टेम्प में, फिर बाद वाली स्ट्रिंग डालते हैं। फाइन फाइन, चलो, तो यही ऑपरेशन करते करते यही ऑपरेशन करते करते हम अपना टेम्प जो है हर ऑपरेशन में, हर आई में अपना अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, और फाइनली हमारा टेम्प जो है वो रेडी हो जाएगा। और हम उसको एस से रिप्लेस करते रहेंगे, मतलब एस को बोलेंगे कि टेम्प को पॉइंट कर, और फाइनली हम अपना एस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें इस एस में हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो